भाजपा के निष्कासित प्रवक्ता नुपुर शर्मा और उनके सहयोगी नवीन जिंदल की गिरफ्तारी के लिए बुधवार को मुरादाबाद में प्रदर्शन हुआ। आपको बता दें कि लोकतंत्र बचाओ मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ साथ बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के पदाधिकारी भी इस प्रदर्शन में शामिल रहे। वहीं प्रदर्शन के बाद लोकतंत्र बचाओ मोर्चा के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन ACM को सौंपा। इसमें नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की गई है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि दोनों की गिरफ्तारी से कम उन्हें और कुछ भी मंजूर नहीं है। तो वहीं लोकतंत्र बचाओ मोर्चा के ओमकार सिंह ने कहा कि भाजपा नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को बचाने में जुटी है, यही वजह है कि दोनों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया, जिसके बाद खाड़ी देशों ने इस पर कड़ा एतराज जताया था। इसके बाद भाजपा ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को पार्टी से निष्कासित कर दिया था, लेकिन विपक्षी दल इतने से संतुष्ट नहीं है। वह लगातार नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।